की बातें आ रहे हैं विवाह के लिए, कितनी अच्छी घड़ी कि एक ऐसा परिणाम हमारे सामने जिसको हम विचार नहीं सकते थे, जिसको हम सोच नहीं सकते थे। चाहत का असर डाला है ये माला नहीं है, अपने जीवन में स्वीकार करने की प्रक्रिया है। हाँ, तुम मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में हो। फूलों की जयमाला है और खुशी मना रही है।
दिलबर का दीदार अधूरा लगता है, ऐसी लड़की की भावना है। शुरुआत सामान्य जीवन में लड़की फिर नौकरी पर जा रही है, लेकिन ये क्या देर हो गई, पति का शक बढ़ने लगा, प्रश्न उठने लगा, कहीं मैंने शादी करके गलती तो नहीं की, वह प्रश्न झुकने लगा। लड़की देर से लौटी है, पति गुस्सा है, समय देख रहा है, लड़की घंटी बजा रही है, किसी और के साथ आते हुए देखकर पति को बर्दाश्त नहीं होता। कुछ जैसे वह फिर से उसे ही दोषी मानता है, उसकी अस्मिता पर फिर प्रश्न लगाता है और लड़की के मन में फिर से यही भाव उभरता है कि सब कुछ कैसे बदल गया, प्यार क्या सच्चा था या झूठा, सब कुछ क्यों बदल गया। पति फिर से प्रश्न चिन्ह छोड़कर चला जाता है, पत्नी से दूर हो जाता है और उसकी अस्मिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। पति पत्नी फिर निराश, तेरी सूरत ऐसी सीरत क्यों नहीं। फिर प्रश्न चिन्ह आप सभी से ये पूछा जा रहा है कि सीता को कितनी बार अग्नि परीक्षा देनी होगी और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी क्या उसे धरती में समाने का ही दंड भुगतना होगा। ये प्रश्न आपसे, क्या हमारी बेटियां अग्नि परीक्षा देकर फिर सीता की तरह धरती में समाती रहेगी और आपसे प्रश्न पूछती रहेगी। आपसे पूछ रही है, हमें सोचना है, हमें अपनी मानसिकताओं को बदलना है। क्या हम अपनी बेटियों का यही हश्र चाहते हैं, या फिर सीता अग्नि परीक्षा के बावजूद धरती में समाए, क्या युग युगांतर तक यही प्रश्न पूछा जाए, कितनी गिरह खोली है मैंने, कितनी गिरह अब खोलनी बाकी है।